नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सोम प्रदोष की व्रत के किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और हमारी पुकार तो मात्र एक लोटे जल से ही सुन लेते हैं। सोम प्रदोष को आप कुछ विशेष उपाय करके भगवान शिव और माता पार्वती की यदि पूजा करते हैं तो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक संबंधी कोई भी कष्ट हो वो सारी समस्याएं आपके दूर हो जाती हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की आप पूजा किसी तरह से भी कर लें और कोई भी उपाय से कर लें, भगवान भोलेनाथ हर पूजा को तुरंत ही स्वीकार करते हैं और आपकी हर परेशानी को वो दूर भी करते हैं। लेकिन यदि आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपको हर तरीके की बाधा से मुक्ति मिलती है। आज के दिन करने वाले कुछ खास उपाय के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ, आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, इस दिन स्नान करने के बाद मंदिर में या फिर घर पर रुद्राभिषेक अवश्य करा लें। यदि किसी भी कारणवश आप रुद्राभिषेक ना करा पाए तो ऐसे में स्वयं भी आप कर सकते हैं। बस सरल तरीके से आप करें। पूजा करते समय, जलार्पण करते समय ओम नमः शिवाय या ओम नमो रुद्राय मंत्र का जाप जरूर करें। इस दिन 27 गुलाब के लाल फूल, चंदन के इत्र के साथ शाम के समय यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर भोलेनाथ को नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए 27 बार अर्पण करते हैं तो ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और आपके सोचे हुए सभी कार्य भी सिद्ध होते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पूजा में कच्चा दूध, पुष्प, मेवे, कपूर, रोली, बेलपत्र, शहद, दीपक, धूप और घी को जरूर शामिल करें। भगवान शिव जी की आरती करें, ये बहुत ही शुभ होता है। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है और दिमाग भी शांत रहता है। यदि आप राहु से परेशान हो तो इस दिन राहु की शांति के लिए आप धतूरे का फूल भगवान शिव पर जरूर अर्पण करें। इससे सुख शांति आती है और इसके साथ फल और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा करते समय भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती का भी ध्यान करें। शिवलिंग पर पूजा शाम के समय विशेष रूप से करें और शाम को जब आप जल अर्पण करें शिवलिंग पर तो खास तौर से एक लोटे जल में चुटकी भर काला तिल जरूर डालें और उसके बाद आप शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।